हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बहुत दिन से मैं इस वीडियो को बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ लेट हो गया है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए हैं, और बहुत सारे लोगों ने पूछा अगर वो स्वीडन आना चाहते हैं या वो आ रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, या उनको कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो कि ज़रूरी हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो आने के बाद आपको सबसे पहले क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले करना होंगी या जो आपको पता होना ज़रूरी हैं। तो नंबर वन पे है आपके पास वीज़ा। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई वीज़ा है, लाइक वर्क परमिट है, डिपेंडेंट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, तो ही आप यहाँ पर आओगे। तो वीज़ा होने के बाद जो आपको यहाँ आके चीज़ें करना होंगी, तो वो वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर जो है वो एक बहुत ही ख़ास नंबर है, जैसा कि कुछ कंट्रीज़ में उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर से जाना जाता है, तो यहाँ पे उसको पर्सनल नंबर बोला जाता है स्वीडन में। तो पर्सनल नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल नंबर आप सबसे पहले यहाँ आने के बाद अप्लाई करते हैं, जो यहाँ का एक ऑफिस है स्काते वर्कत, उसको टैक्स ऑफिस कहा जाता है। तो आपने वहाँ जाके वो अप्लाई कर देना है, तो विदिन 2 वीक्स आपको जवाब मिल जाता है। अगर आपका वीज़ा 6 मंथ या 1 साल का है या 1 साल से कम है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका वीज़ा 1 साल से ज़्यादा है तो ही आपको पर्सनल नंबर मिलता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप ये थोड़ा सोच समझ के आएँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 6 मंथ का वीज़ा लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपका वीज़ा कम से कम भी 1 साल से 1 महीना या 2 महीने ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा, ना जॉब, ना मेडिकल फैसिलिटीज़, ना कुछ और। तो उसके बाद नंबर थर्ड पे है आईडी कार्ड। अगर आपको पर्सनल नंबर मिल जाता है तो फिर आप वहीं पे इस काते वर्कत में टैक्स ऑफिस में आईडी कार्ड जो है वो उसके लिए आप अप्लाई कर देते हो। तो वो आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेंगे और आपका आईडी कार्ड अप्लाई हो जाएगा, और वो भी आपको विदिन 2 वीक्स मैक्सिमम 20 डेज में उसका आपको आ जाएगा आपके घर पोस्ट में कि आपका आईडी कार्ड बन गया है। लेकिन वो आपके घर नहीं आएगा, आपको ख़ुद वहाँ जाके ही पिक करना होता है अपने साइन करके। तो उसके बाद जो है वो है बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको जब आईडी कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉकेट में अगर पैसे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पैसे हर जगह चल जाएँ, आपको कार्ड ही यूज़ करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, अगर आपका कोई बच्चा है या बच्चे हैं, तो उनकी स्कूलिंग के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो आपको जाके अपने जहाँ आप रह रहे हैं उस एरिया में जो भी आसपास में स्कूल होंगे, वहाँ पे आपको इजीली जो स्वीडिश स्कूल हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ना यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ना कोई बुक्स का ख़र्चा है। यहाँ पे सब कुछ स्कूल वाले ही करते हैं, और आपके बच्चे नॉर्मल घर के कैजुअल कपड़ों में जाते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो आपके बच्चों का एडमिशन आसानी से हो जाएगा 1 to 2 मंथ्स में, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद है मेडिकल। और स्वीडन में अगर आपके पास वीज़ा है, पर्सनल नंबर है, तो आपकी मेडिकल की यहाँ पे केयर बहुत अच्छी है। हर किस्म की सहूलतें हैं यहाँ पे ना होने के बराबर ख़र्चा है। तो ये कंट्री बहुत अच्छा है मेडिकल के हवाले से। तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है यहाँ का वेदर, जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। पूरे साल में टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन सर्दी आपको लगेगा कि यहाँ पे सर्दी ही है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आते हो तो यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि अक्टूबर से लेके मई तक आप लगा लो कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। अक्टूबर में यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जैसे इस साल भी मई तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी। तो ये डिपेंड करता है किसी साल में कम, किसी साल में ज़्यादा,
लेकिन यहाँ पे 8 महीने तो ये बर्फ़ के हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पे जैकेट्स यूज़ होती हैं। उस हिसाब से यहाँ पे कपड़े, शूज़, जैकेट्स आपको पूरा इंतज़ाम करके ही आना चाहिए। और आपके वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप जा रहे हो उस कंट्री का वेदर किस तरह का है। तो उसके बाद आ जाता है हाउसिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हाउसिंग है उसके लिए आपको ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। इस कंट्री में क्यू सिस्टम है, आपका क्यू में नाम आता है, आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के पास जाएंगे और आपको घर मिल जाएगा। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शायद ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है, अगर आप स्वीडन जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, कोई भी ताल्लुक वास्ता किसी किस्म का नहीं है, तो आप ये ज़रूर सोच के जहाज़ में बैठें कि आपने जाके रहना कहाँ है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे एक घर या अपार्टमेंट या रहने की जगह इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर सोच समझ के और देख के फिर ही डिसीजन लें, और आपको ये पता होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ के जो हालात हैं उस हिसाब से इतना सब बता रही हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है रेंट, और यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। सिटीज़ में यहाँ पे 10 to 15,000 क्रोना, क्योंकि स्वीडन की करेंसी है क्रोना, तो यहाँ पे स्वीडिश क्रोन जो है वो 10 से 15 हज़ार क्रोन जो है वो एक अपार्टमेंट का रेंट है। डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है और घर कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेंट है, और रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की जगह पे रह रहे हैं, किस बड़े शहर में रह रहे हैं, छोटे शहर में रह रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा आपका जो रेंट होगा। लेकिन आप अपने माइंड में रखें कि ये नॉर्मल है सिटीज़ में, स्टॉकहोम में, योतेबुरी में, मालमो में इतना रेंट है। तो इस हिसाब से आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम इतना रेंट है। तो उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। तो स्वीडन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्वेंस्का, स्वीडिश लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे 70 to 75% लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, और आप पब्लिक प्लेसेस में या ऑफिसेस में या कहीं भी जाते हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश ज़ुबान में बात करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्वीडिश स्कूल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, फ्री एजुकेशन है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। आप इनकी ज़ुबान जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, स्कूल्स में जाके आराम से सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ की ज़ुबान आनी चाहिए, और जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज़ुबान सीखना ही चाहिए। और ज़ुबान आपको एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि वो उसकी वजह से आपको बहुत सारे मसले भी हो सकते हैं। बेशक लोगों को इंग्लिश बोलना आती है, लेकिन आप इस चीज़ को अपने माइंड में मत रखें, आपको इनकी ज़ुबान सीखना ही पड़ेगी। तो उसके बाद नंबर 11 पे है, इस सब के बाद जो सबसे ज़रूरी है वो जॉब्स हैं। तो जॉब्स के लिए आपको ख़ुद से ही कोशिश करना पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की जॉब मिलती है, और आप कितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, और कब मिलती है, मिलती भी है या नहीं मिलती है। यहाँ पे एक्चुअली इतना आसान नहीं है, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये सिटीज़ में डिपेंड करता है कि आपको रेस्टोरेंट्स में या डिलीवरीज की काम, इस तरह की छोटी छोटी जॉब्स में ट्राई करें तो शायद आपको काम मिल जाए, लेकिन मैं इस चीज़ का कोई भी गारंटी से नहीं कह सकती। तो उसके बाद फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ नंबर 12 पे, कि अगर आपके पास यहाँ के एक कंट्री का वीज़ा है यूरोप का, तो आप यूरोप के जो 26 to 27 कंट्रीज़ हैं, आप सब कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में हॉलीडेज़ के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास एक कंट्री का वीज़ा आ जाता है तो वो सब कंट्रीज़ के लिए ही होता है, शेंजन वीज़ा होता है, वो पूरे यूरोप में आप कहीं भी आसानी से
टिकट लो और एक दो घंटे का ही फ़्लाइट होती है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, हॉलीडेज़ के लिए आप आराम से जाएं। ट्रैवलिंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है यूरोप के अंदर, तो आसपास काफ़ी अच्छे कंट्री हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। तो यही थे कुछ ख़ास पॉइंट्स जो आज की वीडियो में मैंने बताए हैं। अगर आपको फ़र्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और वन बाय वन आपको बताती जाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय, टेक केयर।